थैंक यू सो मच। फोटोशूट के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत एक्साइटेड है, बहुत अलग तरह का फोटोशूट है ये। प्री वेडिंग में थोड़ा सा हम लोगों ने मस्ती मजाक किया था, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा हॉट फोटोज आने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं बहुत खुशी होती हूँ जब हर्ष के साथ काम करने का मौका मिलता है। और एक मैगजीन के लिए शूट कर रहे हैं हम, और नए नए लुक है, मैं मतलब ऐसी कभी दिखी नहीं थी ना ऐसे वाले गाउन में। सो हर्ष खुश है मुझे ऐसे गाउन में देख के बहुत ज़्यादा। ये गाउन की मैं इतनी तारीफ कर चुका हूँ कि अब मेरे मतलब गाउन बुरा मान रहा है कि भाई इतना क्या। हाँ, मैंने तभी सोना बोल रहा था, भाई इतना क्या। सो इतना सुंदर और इतना यूनिक फोटोशूट जो हुआ है, ऐसा थोड़ा भारती ने कभी वो कम स्माइल वाला लुक नहीं दिया था। वो उसके पीछे हाथ है एक औरत का, वो औरत है ये शिवांगी। बैठो बैठो शिवांगी जी, अभी इन्होंने 10th पास की है। और बड़ी प्यारी सी हमारी शिवांगी है, जिन्होंने हमारा प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट सब इन्होंने किया था। और आज फिर से एक बार इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पुराने लोग जुड़े होते हैं मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ही चलूँ। और बहुत सारे लोगों ने इसमें इस फोटोशूट में बड़ा सहयोग भी दिया है, जैसे हमारे डिज़ाइनर आशीष एंड शिफाली, मेरे और हर्ष के कपड़े उन्होंने बनाए हैं। वेन्यू हमको दिया है ललित होटल वालों ने, बहुत बहुत काइंड है ये। कहीं भी शूट करो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ज्वेलरी दी है मुझे अनमोल ज्वेलर वालों ने, और जो मेरे दिल के करीब है मेरा स्टाफ, हेयर मेकअप नूर और नितिन ने किया है, और मेरे स्पॉट में है वो राजू दादा। सो एक फैमिली लेके चलते हैं, और उनको बोला ना कभी आउटडोर शूट है, वो भी सारे खुश हो जाते हैं, कह रहे हो मैडम हंसाएगी, बहुत खुश रहेंगे। तो फैमिली के साथ शूट करते हैं हम, नॉट स्टाफ, मैं फैमिली मानती हूँ उनको। सो वो देखो अपनी बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो खड़े रहते ना ब्रश लेके, ओ अरे खाए खाए बिरयानी मंगाए या वो लगे हुए हैं वो। सो चिल आउट है सब। शिवांगी देखा जो तो बाद में तो और भी फोटोशूट देखे, हमें इन्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो पड़ती भी नहीं है। दो दो फोटोशूट के बाद, पूरी वेडिंग की शूट के बाद इनको पड़ती नहीं है। दे आर जस्ट वेरी कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा नाउ। तो है क्योंकि ये थोड़ा कवर पेज के लिए भी था, तो हमको थोड़ा चाहिए था कि थोड़ा ऐसा पूल वूल दिखे, थोड़ा बाहर लगे कि मतलब बाहर कैसे। हाँ थैंक यू यार, बहुत गर्मी, पीठ पूरी गीली हुई है लेकिन स्टाइल वही है यार, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। और लेकिन कहते हैं ना कि सोना जो होता है भट्टी में ही आता निखरता है, तो हमारी इन्होंने कहा था कि पूल साइड करते हैं, धूप में किया, लेकिन फोटो इतने अच्छे आए वैसे लग रहा है किसी स्विट्जरलैंड के होटल में बैठे हुए हैं, है ना हर्ष जी। हाँ सीरियसली, फोटोज तो हमने थोड़े बहुत देखे, इतने कमाल के फोटोज मैं बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा भी कभी लग सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच शिवांगी कि इतने अच्छे फोटोज। मैं भी कैसे लग रही हूं? तो मैं कह रहा था कि इतने अच्छे फोटोज मेरे आए हैं कि मैं बता नहीं सकता, कि थैंक यू सो मच शिवांगी। हाँ भारती जी कुछ बोल रही थी आप? कुछ नहीं दादा, कुछ क्या बोले। नहीं नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे आए हैं जी। हाँ खतरों के खिलाड़ी, मैं देखो पहले बोल दिया, सिलेक्शन हो चुका है, इस तरह की न्यूज़ आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये खतरों के खिलाड़ी तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन मेरे साथ शादी हुई थी, तब से ही स्टंट कर रहे हैं बेचारे मेरे आगे पीछे, ये वो। खैर ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमको हमारे तक तो बात पहुंची नहीं, लोग छाप रहे हैं तो छापो, एंजॉय करो। कोई बोलता हर्ष ने भारती को पीटा, कोई भारती प्रेग्नेंट है, भारती वहां से फिसल गई, मैं खुशी होती रहती देख देख के, मैं कहा वाह लोग याद कर। खैर अगर खतरों के खिलाड़ी अभी तो कोई बात नहीं, अगर करेंगे तो ज़रूर बताएंगे। ये ऐसी चीज़ है कि कुछ हटके है, डांस कर लिया, कॉमेडी कर ली, स्टंट कुछ हटके है। सो एक राइटर स्टंट करेगा या एक हेल्दी लड़की, मोटी लड़की करेगी, तो वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। आओ दादा बैठो ना इधर, सच में नहीं कुछ नहीं हुआ अभी, देखो ऐसी हूँ। और हाँ थोड़ा हर्ष बहुत हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसको थोड़ा होता पराठे वराठे कम करो, थोड़ा सैलड खाओ, ग्रीन टी पियो, तो थोड़े ऐसे हैं ये, खुद भी खाते रहते, मूंग खा ले, पत्ता ये खा वो, फ्रेश दूधी काजू, कौन दूधी काजू कौन पी सकता है, तो ये कर ले। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई केयर करे ऐसी, तो डरते हैं असल में। अरे दिखाओ ना बेल्ट के निशान जो रात को मारा था। नहीं कभी डांट नहीं पड़ी है, कभी नहीं, क्योंकि अभी अभी 5 महीने हुए ना, अभी 6-7 महीने बाद तो झगड़े वाला मौसम शुरू होता है, फिर एक दूसरे को समझेंगे, है ना भारती जी। अच्छा 9 साल से क्या लस्सी बना रहे थे? समझ चुके हैं हम, और ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, होता भी है तो 2-2.5 घंटे का होता, फिर मजा मतलब फिर से हाय हेलो हाय हेलो चल जाती है। ठीक है फाइनली मैम, 28 मई को मॉन्स्टर हाइजिंग डे है, जिसके कारण मूवी बनी थी,
आज भी रूरल्स एरिया में विलेज के रूरल्स एरिया में ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्या करते हैं? सॉरी मुझे तो पता ही नहीं कौन सी मूवी बनी थी। पैडमैन। पैडमैन। अच्छा पैडमैन मैंने देखी भी नहीं, सॉरी। बट क्या फिर क्या हो रहा है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल है। और वो मुझे लगता है कि अभी कुछ साल तक रहेगी। अभी भी बहुत लड़कियाँ अभी भी बहुत शाये हैं। कुछ गाँव में ऐसे है कि जब पीरियड्स आते हैं तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्या उसका साया ना पड़े, ये वो सब झूठी बातें हैं। और इस फिल्म से मैं अपने भाई के साथ भी खुल के बात करने लगी हूँ पैड्स के बारे में, ये वो। जब फोटो डालना था तो मैंने बिंदास डाला और हर्ष ने बोला मैं भी खड़ा रहूँगा। तो है कि ये एक नेचुरल चीज़ है यार, भगवान की दी हुई चीज़ है, है ना। तो ये जैसे आंसू आते हैं वो भी चीज़ है। ये बिल्कुल देना चाहूँगी कि जैसे पेट दुखता है, सर दुखता है तो हम बताते हैं, ये भी चीज़ बता सकते हैं। ये हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं है, कुदरत की, भगवान की बनाई हुई चीज़ है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमको आगे बढ़ जाना चाहिए, और ये खास तौर पे लड़कों के लिए है, आदमियों के लिए, कि जब हौ करना हम छोड़ेंगे ना तब हमारी बीवी बेटियां औरतें आगे आएंगी। सो ये नेचुरल थिंग है वो। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू।